बच्चों आज हम देखेंगे नेशनल इनकम का टॉपिक नंबर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से बोर्ड एग्जामिनेशन में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के ऊपर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं सीबीएसई में क्लास 12 में, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा नेशनल इनकम, और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं थ्योरी पार्ट में या डायग्रामेटिक फॉर्म में आते हैं। ठीक है, सबसे जो इंपॉर्टेंट जो बच्चों को डाउट होता है कि किस तरह से डायग्राम फॉर्म करेंगे और किस तरह से इसका आंसर राइटिंग करना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास टोटल 4 सेक्टर हैं अलग अलग, जो 4 सेक्टर हैं हमारे अलग अलग फॉर्म में, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं हमारा जो है वह है हाउस होल्ड। ठीक है, सेकेंडली अगर बात करें तो वह है हमारा फॉर्म। थर्ड जो हमारा आता है वह है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर, और जो फोर्थ है वह हमारा एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है, ये जो 4 जो सेक्टर है बेसिकली क्लास 12th में हमें सिर्फ जो हमारा जो न्यू सिलेबस है उसमें हमें सिर्फ 2 पढ़ना है, हाउस होल्ड और फॉर्म। यानी कि जो हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर, ये हमें नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, क्लास 12th के अकॉर्डिंग। तो एक एक करके देखेंगे कि इस तरह से हाउस होल्ड और फॉर्म के बीच में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो रहा है, यही हमारा आज का टॉपिक है जो मेन। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम, हाउस होल्ड और दूसरा जो हमारा है वो है हमारा फॉर्म। हाउस होल्ड और फॉर्म को हम ये चेक करेंगे कि किस तरह से इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है इनकम का। ठीक है, तो क्या होगा कि हाउस होल्ड जो है, हाउस होल्ड क्या करेगा, हाउस होल्ड सर्विस प्रोवाइड करेगा फॉर्म को। हाउस होल्ड क्या करेगा, सर्विस प्रोवाइड करेगा फॉर्म को, और ये कौन सी सर्विस होगी, ये सर्विस होगी हमारी फैक्टर सर्विसेस। ठीक है, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा फर्म को। तो फैक्टर सर्विसेज हमारे क्या क्या होते हैं, हमारे होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। अब क्या होगा, जब हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा फर्म को, तो बदले में फर्म जो है क्या प्रोवाइड करेगी, फैक्टर पेमेंट। बदले में क्या प्रोवाइड करेगी, फैक्टर पेमेंट। यहां लिख लेंगे आप लोग, फैक्टर पेमेंट। ठीक है, तो ये फैक्टर पेमेंट कैसे प्रोवाइड करेगी, ये बड़ा ही क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो बहुत इजी तरीका आप लोग बताता हूं डेवलप करने का, कि लैंड पे क्या प्रोवाइड करेगी पेमेंट, तो लैंड पे रेंट प्रोवाइड करेगी, लेबर पे वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट, और एंटरप्राइज को क्या प्रोवाइड करेगी, प्रॉफिट। तो ये जो हमारे फैक्टर जो सर्विसेज थे, जो हमने अभी देखा कि फैक्टर सर्विसेज हमारे क्या क्या हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। और लैंड पे क्या पे कर रहे हैं हम लोग, रेंट, फिर लेबर पे वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट, एंटरप्राइज पे प्रॉफिट। तो ये देखने के बाद अब क्या होगा कि जब हाउस होल्ड को रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट मिलेगा, तो हाउस होल्ड क्या करेगा, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर करेगा, खर्चे करेगा, अपने नीड्स पूरी फुलफिल करेगा, जो भी उसके नीड्स है एक्सपेंडिचर। तो फिर क्या करेगा, फिर एक और हमारी चीज क्या होगी, हाउस होल्ड फिर क्या करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा। तो एक्सपेंडिचर करेगा तो फर्म के पास पैसे जाएंगे, यानी कि फिर से क्या होगा, फर्म के पास सर्विसेज आएंगी, मतलब सर्विसेज कैसे आएंगी, इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड। तो यहां पे हम लिख लेंगे एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड करेगा, जब एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड करेगा तो फर्म बदले में उसे क्या प्रोवाइड करेगा, वो लिख लेते हैं। तो बदले में जो फर्म है उसे क्या देगा, तो ध्यान रखेंगे, बदले में वो प्रोवाइड करेगा गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बिटवीन द टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ये क्वेश्चंस मोस्टली टाइम आए हुए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आते हैं सर्कुलर फ्लो पे। ठीक है, कि हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म के बीच, हाउस होल्ड और फर्म के बीच जो रिलेशन है इनकम का वो कैसा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है हमारा डायग्रामेटिक पार्ट हाउस होल्ड टू फर्म के बीच का, कि हाउस होल्ड पहले फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करती है,
लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज के थ्रू। बदले में फर्म उसे फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड करता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के थ्रू। अगेन हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर करता है फर्म के लिए, मतलब एक्सपेंडिचर करता है तो सारे पैसे फर्म के पास वापस चले जाते हैं, ठीक है, पैसे जाते हैं। बदले में फर्म जो है उसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से ये जो चेन फॉर्म हो रहा है इनकम का, इस तरह से क्या हो सकता है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कह सकते हैं। कितने सेक्टर में, तो यहां लिखना टू सेक्टर। और ये टू सेक्टर कौन कौन से है, तो हमारा जो पहला आता है वो है हमारा हाउसहोल्ड सेक्टर, और जो दूसरा सेक्टर होता है वो हमारा होता है फॉर्म। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो टू सेक्टर इकोनॉमी है जिसे हम बात कर रहे हैं, हाउसहोल्ड और फॉर्म की, इस वे में हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आता है तो इजीली ये डायग्राम बना दीजिए और एक्सप्लेनेशन इसका कर दीजिए, विल डेफिनेटली गेट द गुड मार्क्स फ्रॉम दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर टू हमारा, ठीक है, जो नेशनल इनकम में है, वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्ट मेथड के बारे में पढ़ेंगे और एक्सपेंडिचर मेथड के पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।